और मोहब्बत से कहते या हुसैन कि जमीन फलक ये सितारा हुसैन वाला है। आप भी हुसैन वाले हैं तो खामोश नहीं रहिएगा। मैं पढ़ता हूँ शहजाद भाई, रख दिया इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गुलामे मुस्तफा दमदार होना चाहिए। आप अकेले ऐसा लग रहा है कि तन्हा अंजुमन है मुकम्मल को संभाले हुए हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये मुकम्मल मिलकर आपको संभाल ले। मुलाजा फरमाए कि जमीन फलक ये सितारा हुसैन वाला है, जमीन फलक ये सितारा हुसैन वाला है। जब तक एक एक हुसैनी का हाथ नहीं उड़ जाएगा, शहबाज़ादा इस मिसरे को एक नहीं बल्कि 101 मर्तबा पढ़ता रहेगा। जमी फलक ये सितारा हुसैन वाला है। आप भी आगे आ जाइए ताकि मुझे कुछ ताकत महसूस हो जाए। आगे आ जाओ मेरे भाई, आगे आ जाए। जमी फलक ये सितारा हुसैन वाला है, जमी फलक ये सितारा हुसैन वाला है। जहाँ में जो भी है सारा हुसैन वाला है, जहाँ में जो भी है सारा हुसैन वाला है। जहाँ में जो भी है सारा हुसैन वाला है। कोई यजीद झंडा हुसैन वाला है, हमारे हाथ में झंडा। माशाल्लाह कि हमारे हाथ में झंडा हुसैन वाला है, हमारे हाथ में झंडा हुसैन वाला है। हमारे हाथ में झंडा हुसैन वाला है, हमारे हाथ में झंडा हुसैन वाला है। जमी फलक ये सितारा हुसैन वाला है, जहाँ में जो भी है सारा हुसैन वाला है। यजीदियों की वो धज्जी उड़ा के रख देगा, यजीदियों की वो धज्जी उड़ा के रख देगा, यजीदियों की वो धज्जी उड़ा के रख देगा। यजीदियों रख देगा। लबों पे जिसके भी नारा हुसैन वाला है, लबों पे जिसके भी नारा हुसैन वाला है। लबों पे जिसके भी नारा हुसैन वाला है, जमीन फलक ये सितारा हुसैन वाला है। ठीक है ना, छोड़ दे। जमीन फलक ये सितारा हुसैन वाला है, यहाँ पे लगता है मेरे हुसैन का नारा। अब शेर में चैलेंज भरा शेर पहुंचा रहा हूँ। मुलाजा फरमाए, इतनी रात में मैं खून जिगर पेश करता हूँ। मुलाजा फरमाए कि यहाँ पे लगता है मेरे हुसैन का नारा, यहाँ पे लगता है मेरे हुसैन का नारा। यहाँ पे लगता है, यहाँ पे लगता है मेरे हुसैन का नारा। इसी से समझो मोहल्ला हुसैन वाला है, इसी से समझो मोहल्ला हुसैन वाला है, इसी से समझो मोहल्ला हुसैन वाला है। जमी
फलक ये सितारा हुसैन वाला है, जहां में जो भी है सारा हुसैन वाला है, जहां में जो भी है सारा हुसैन वाला है। एक बार पूरा मजमा कह दे या हुसैन, और धीरे से कहते या हुसैन, कोई यजीदी सुन लेगा, धीरे से कहते या हुसैन। माशाल्लाह, धीरे से आप इतना अच्छा कहते हैं, जोर का क्या आलम होगा, है कि नहीं? वो वाला उसी बोली दे दिए तो मुझे थोड़ा। अरे एक आदमी ये हो जाएगा इंशाल्लाह। लाइए अब एक कलाम में कलाम जा रहा हूं, मुझे महसूस होना चाहिए कि हुसैनियों के बीच में पढ़ रहा हूं। हुसैनी जब बोलता है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। तो देखना कि कितने हुसैनी हैं। मेरे साथ सब मिलकर एक हाथ को हजरत हसन का झंडा, दूसरे हाथ को हजरत हुसैन का झंडा बना ले और मेरे साथ सब मिलकर पढ़ ले, बना ले झंडा, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। अरे हुसैन का झंडा बन जाएगा। हमारा ये मानना है कि जो हाथ हुसैन पाक के नाम पर उड़ जाता है उसमें कभी बीमारी नहीं होती। अच्छा बताइए, मजमे में कोई ऐसा है जिसके हाथ में बीमारी हो? नहीं ना है। देखें हम अक्सर फरमाए कराम उठवाते हैं और हकीकत में हाथ में बीमारी नहीं है, है कि नहीं? मैंने प्रूफ कर दिया कि हाथ में बीमारी नहीं है। नहीं, हकीकत है कि जो हाथ हुसैन पाक के नाम पर, रसूल पाक के नाम पर उड़ जाता है उसमें बीमारी नहीं होती है। तो झंडा बना ले दोनों हाथों को मेरे साथ में मिलकर कुछ देर पढ़ ले। वो नबी का है नबाता, वो नबी का है नबाता, वो नबी का है नबाता। एक पॉइंट और आवाज बढ़ा दो। नबी का है नबाता, वो 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 नबी का है नबाता। अभी भी बहुत लोगों का हाथ हुसैन को झंडा नहीं बना है। मैं चाहता हूँ कि हर आदमी का हाथ हुसैन को झंडा बन जाए। वो नबी का है नबाता, वो नबी का है नबाता, वो नबी का है नबाता, वो नबी झंडा है आज भी।
हजर की बारगाह में पढ़ता हूँ, बड़ा फरमाया कि क्या चीज है वहाँ पूरी सब तौबा